बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा गला ख़राब है, आई एम सॉरी। इसलिए वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ, अभी तक फुल फिट नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। आपको मेरी शायद आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर आपको मैं तीन एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल इंट्रोड्यूस करवाने लग रहा हूँ जो लिटरली आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी सेव करेंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव करेंगे। ये तीनों चीज़ें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल करते हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने आपको एक ही वीडियो बेसिकली खुली हुई है, लेकिन मैंने उनके दो कैनवस में खोली हुई है। एक वीडियो जो है ये सेम ही वीडियो है, दो पोर्शन में मैंने खोली हुई है, इनको कॉपी पेस्ट मैंने किया हुआ है, दो इसके वर्जन मैंने खोले हुए हैं। वीडियो बेसिकली एक ही है, एक में मेरी बैकग्राउंड आपको नजर आ रही है और एक में बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड नजर आ रही है। अब आप लोग समझ रहे होंगे जी तो क्या है जी, आपने ग्रीन स्क्रीन लगा ली होगी। बिल्कुल नहीं, यही मकसद है इस वीडियो का कि बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन लगाए बगैर आप एब्सोल्युटली फ्री में, 100% फ्री में कैसे अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपनी वीडियो का, जो कि आज तक लोग ग्रीन स्क्रीन लेके आते थे, इतने पैसे स्पेंड करते थे, इतना टाइम स्पेंड करते थे, फिर सीखते थे क्रोमा की कैसे अप्लाई करनी है उसके ऊपर, और फिर कहीं जाके आपको इस तरह का बैकग्राउंड मिलता था। मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री में करके दिखाने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा दो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़बरदस्त किस्म के टूल इंट्रोड्यूस करवाने लग रहा हूँ जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आप बड़े पैसे बना सकते हैं उन टूल से, अपना टाइम भी बहुत सारा सेव कर सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, आपने देख लिया, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं अपनी वाली विंडो क्लोज करता हूँ और इस वीडियो को भी क्लोज कर देता हूँ। ये हमने कैसे अचीव करना है, आपने सिंपली करना क्या है, CapCut.com पे आ जाना। अच्छा, ये फ्री में है, आप इसको अपने कंप्यूटर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को, और आप इसको वेब ब्राउजर के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटीज चाहिए तो आप अपने कंप्यूटर पर इसको डाउनलोड कर लें, वरना आप वेब ब्राउजर से भी इसकी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली CapCut.com लिखा है और मैंने सिंपली एक अकाउंट बना लिया है इनका, और उसके अंदर मैं डैशबोर्ड आपको इस तरह से दिखाई देगा। हमने सिंपली करना क्या है, ब्लैक कैनवस के ऊपर काम करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अपनी वीडियो ऐड करता हूँ जो मैंने बनाई थी, जिसके अंदर मेरा बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप ये देख रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर, या आप यहाँ से अपलोड के ऊपर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैं ये वाली फाइल उठाता हूँ, अपनी वीडियो ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये फाइल मेरी ऐड हो चुकी है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अब मैंने इसको यहाँ पर ऐड करना है अपनी टाइमलाइन के अंदर, ताकि इसके ऊपर हम अपनी अप्रोप्रिएट फंक्शनैलिटी जो है वो अप्लाई कर सकें। जब आप अपनी वीडियो के ऊपर हवर अराउंड करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। लीजिए, हमारी वीडियो जो है यहाँ पे टाइमलाइन पे ऐड हो चुकी है। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ, आप देखेंगे मेरा बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है। मैं इसको प्ले करता हूँ और मेरी वीडियो इस वक्त प्ले हो रही है। चलो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ठीक है जी, आपने बैकग्राउंड देख लिया। अब इस बैकग्राउंड का सबसे पहले तो हमने रिमूव करना, तो हमने करना क्या कि अपने कैनवस जो है यहाँ पर इसके ऊपर टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है कटआउट की, कटआउट के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको ये टॉगल का बटन नजर आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली मेरे जो स्क्रीन में शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर टॉगल का बटन है, इसके ऊपर सिंपल आप क्लिक कर दें। इसको जैसे कहते हैं ना टर्न ऑन करना और टर्न ऑफ करना, तो आप सिंपली इसको यहाँ से टर्न ऑन कर दें इस बटन को। वो करेगा क्या कि कट आउट इज बींग अप्लाइड, आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करेगा कि आपकी वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी है। मैंने तो बहुत छोटी सी वीडियो रखी हुई थी, सिर्फ 17 सेकंड की। अब आप ये देख रहे हैं आपको जो बैकग्राउंड है वो इंस्टेंटली रिमूव हो गया है, ठीक है जी। अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर हमने बैकग्राउंड क्योंकि रिमूव हो चुका है, अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे इस वीडियो की मैंने कोई दूसरा इमेज ऐड करना है, तो मैंने सिंपली करना क्या है कि मैं एक इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐड करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर अपलोड के ऊपर जाऊँगा, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ लोकल के ऊपर, और यहाँ से मैंने एक pexels.com से ये एक रॉयल्टी फ्री इमेज लिया हुआ लाइब्रेरी का, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो ऐड हो गया मेरे कैनवस के ऊपर, जो आपके कैनवस के ऊपर ऐड हो गया आपने सिंपली उसके बाद ये प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। ये लीजिए, ये मैंने ऐड कर दिया, इसको नीचे वाले एरिया में, नीचे वाले कैनवस में मेरी वीडियो जो है वो ऊपर वाले फ्रेम में है और नीचे वाले फ्रेम में मैंने इस इमेज को ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसको एक्चुअली यहाँ से ड्रैग कर देना कम्प्लीटली जहाँ तक मेरी वीडियो है, ताकि पूरी मेरी वीडियो में जो है बैकग्राउंड जो है वो नज़र आए। उसके बाद हमने करना क्या है कि सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है अपने बैकग्राउंड इमेज के ऊपर और यहाँ से इसको हमने मैक्सिमाइज कर देना ऐसे, ठीक है, ताकि वो हवर अराउंड करके हम इसको पूरा मैक्सिमाइज कर लें, ताकि हमारी वीडियो के पूरा वो शो हो बैकग्राउंड के अंदर। तो अब अगर मैं प्ले हेड को ऑल द वे बैक लेके जाता हूँ, मैं प्ले करता हूँ अपनी वीडियो को, ये आप देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। इस तरह से आप इस प्रोग्राम के अंदर बड़ा सिंपली अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई भी बैकग्राउंड, इवन वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो को चल रही हो
आपकी अपनी वीडियो के पीछे, जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हैं और पीछे कोई एनिमेटेड वीडियो चल रही हो या कोई और इमेज आप ऐड करना चाहें, यू कैन डू दैट। तो ये इसका नाम है जी CapCut.com। इसके ऊपर जाके आपने, ये AI सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फ्री में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज से आपको ग्रीन स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी किस्म का कोई पैसा लगाने की जरूरत है। इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। ठीक है जी, चलें जब अपने दूसरे टूर की तरफ चलते हैं। दूसरा टूल है जी CleanUp.Pictures। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप आ जाएंगे, फोटोशॉप में हमने अगर कोई इमेज के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना होता तो बड़ा टाइम लगता है, तो हमने सिंपली करना क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मैजिक। सिंपली आपने क्लिक हियर टू ड्रैग एन इमेज, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज जो कि मैंने Pexel.com से मैंने पहले भी लिया था, रॉयल्टी फ्री इमेज मैंने लिए, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे ये इमेज जो है इस CleanUp.Pictures के अंदर अपडेट हो जाएगा। दिस इज एन HD इमेज, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ट्राई प्रो फॉर 3 डेज, नहीं जी हमें कंटिन्यू विद SD चाहिए। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपना इमेज ऐड हो गया। अच्छा, अब इस इमेज के अंदर लेट्स से ये टेबल है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, मैं ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं आपको जरा थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। सिंपली अब आपने करना क्या है, जब आप अपना ये मूव करेंगे ना अपना माउस, तो आपको आपके ब्रश का साइज दिखा रहा होगा, यहाँ से अपने ब्रश के साइज को बड़ा छोटा, ये देखें आप कितना बड़ा हो गया, बड़ा छोटा आप इसको कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ब्रश के साइज को, लेट्स इस टेबल को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना मेरा ख्याल है मेरे ब्रश का साइज जो है दैट इज इनफ। तो मैं इसके ऊपर इसको क्लिक करके यूं मूव करता हूँ, इतने एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको छोड़ देता हूँ और मैं अपने माउस को आउटसाइड ले जाता हूँ, इस इमेज के बाहर से ले जाता हूँ कैनवस के बाहर। तो होगा क्या, ये आप देख रहे हैं विद इन स्प्लिट ऑफ ए सेकंड इसने इमेज को जो है वो रिमूव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इमेज पहले कैसा लगता था और बाद में कैसे लगता था। यहाँ पे ये टॉगल का साइन है, इसको आप ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आपको इमेज नजर आ रहा है, ये आप ऑफ करके देखें कितनी खूबसूरती से इसने इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट को इस तस्वीर के अंदर से रिमूव कर दिया। अब आप सिंपली इसके यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कितना जबरदस्त है जी, ये भी AI आपका नया सॉफ्टवेयर है, CleanUp.Pictures टूल है, इसको आप यूज कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री के अंदर जी। तीसरा टूल जो है बड़ा जबरदस्त है, ठीक है जी, इसको मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी आपको इसका URL नजर आ रहा होगा, ये है beta.openai.com/playground। इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने बेटा साइन अप कर लेना है। यहाँ पे मैं जो आपको जबरदस्त चीज दिखाने लग रहा हूँ ना, इस पे आप कुछ भी आकर लिखें, कोई भी क्वेश्चन पूछें या आपको उसको रिस्पॉन्स करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी कि राइट एन एड फॉर डेंटल डॉक्टर। मैंने ये लिखा हुआ था राइट एन एड फॉर डेंटल डॉक्टर। मैं फेसबुक और यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग क्रिएट करता हूँ डिफरेंट बिजनेसेस के लिए, तो मैं यहाँ पर आकर इसको लिख देता हूँ जी राइट एन एड फॉर ए डेंटल डॉक्टर, ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये किस किस्म की एड हमारे लिए लिखता है। आप सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करें, ये देख रहे हैं आप, आर यू लुकिंग फॉर ए केयरिंग एक्सपीरियंस डेंटल डॉक्टर, लुक नो फॉर द अवर टीम ऑफ डेंटल प्रोफेशनल इज हेयर टू प्रोवाइड यू। अब मैं सारा आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपके सामने विद इन ए सेकेंड जो वो स्क्रिप्ट लिख देगा, वो आपको एड लिख देगा छोटी सी, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं। एक तो ये एग्जाम्पल है, मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ, इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। लेट्स से जी अब हम लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ जी कि आई एम सिक, राइट अ लेटर टू माई यूनिवर्सिटी फॉर लीव। मेरी यूनिवर्सिटी को आप खत लिखो कि मैं इस वक्त एक्चुअली बीमार हूँ और मैं नहीं आ सकता हूँ, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में। तो सिंपली इसके ऊपर आप लिखने के बाद ये क्वेश्चन आपने लिखा है, आप सबमिट के ऊपर क्लिक करें और आप यह देखें विद इन ए सेकेंड आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दे देगा कि आपने यूनिवर्सिटी को क्या कहना है, ठीक है। अब ये देखें, मैं थोड़ा सा स्क्रोल अप करता हूँ। Dear name of dean, I'm writing to request a leave of absence from my studies often, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम होगा यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। आई हैव रिसेंटली बीन डायग्नोज विद इलनेस, जो भी इलनेस इस वक्त आप फील कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है, एंड माई डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम माई स्टडीज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन माई रिकवरी। आई एम करंटली अनएबल टू एंड क्लासेस और पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज। आई अंडरस्टैंड दैट आई मे नीड टू रिपीट दिस सेमेस्टर एंड आई एम विलिंग टू डू वट एवर इज नेसेसरी। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त उसने, अगर आप चाहें तो उसको बाकी इस हिस्से को आप रिमूव कर सकते हैं और बाकी हिस्से को आप रख सकते हैं जो आप समझते हैं कि जो अननेसेसरी इसने लिख दिया है। आपको विद इन ए सेकंड जो आपने सोचा उसने आपको लिख के दे दिया, कितना जबरदस्त है जी। एक और टैग लाइन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इसके अंदर आप यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव इट। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। लेट्स से जी कोई कंपनी है उनके लिए मैं कोई टैग लाइन लिखना चाहता हूँ, वैसे तो आप इसके अंदर पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली आके मैंने लिखा है जी राइट ए टैग लाइन फॉर ए शू कंपनी। तो टैग लाइन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग फाइवर पे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। इसको मैं सबमिट पे क्लिक करने से पहले मैं एक मिनट के लिए ज़रा फाइवर पे आता हूँ। मैंने सिंपली टैग लाइन लिखा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे लोग यहाँ पे ठीक ठाक पैसे बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं 599 इनकी रेटिंग है, फीडबैक इन्होंने ली हुई। आई विल क्रिएट 10 कैची स्लोगन्स और टैग लाइन, $75 मुझे स्टार्टिंग प्राइस है। तो यू कैन सी दैट, लुक एट दैट, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें 1590 से स्टार्ट कर रहा है ये लिखना टैग लाइन को। तो इस तरह से टैग लाइन में पीपल आर मेकिंग एक्सलेंट मनी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था
कि ऐसी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि टैगलाइन में लोग पैसे नहीं बना रहे हैं। टैगलाइन अगर आपको लिखनी आती है तो यू कैन मेक वेरी गुड मनी एज ए फ्रीलांसर एज वेल। लेट्स गो बैक जी, ठीक है, राइट ए टैगलाइन फॉर ए शू कंपनी। अब लुक एट द मैजिक, मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं आप, स्टेप अप योर स्टाइल विद अवर शूज, स्टेप इन टू कम्फर्ट एंड स्टाइल विद अवर शूज, ये टैग लाइन है। आपको पता ना टैग लाइन कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज जो है वो टैग लाइन बनाती हैं। लेट्स से नाइकी है, उनकी टैग लाइन है लेट्स डू इट, ठीक है ना, या जस्ट डू इट, ठीक। इस तरह से डिफरेंट टैग लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी ब्रांड्स हैं कंपनीज हैं उनको ये चाहिए होती है। तो मकसद ये है कि आप जो भी चाहें, आप कुछ भी चाहें इसके अंदर यहाँ पर आकर आप लिखें एंड इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है जी। तो दिस इज एन एक्सलेंट एक्सलेंट AI टूल्स, मैं इनको यूज़ करता हूँ। I definitely love it and you guys are going to love it as well. Challenge inshallah, aap se agle video mein bahut jald mulaqat hoti hai. Thank you so much. Allah Hafiz.